हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में थोड़ा सा साउंड क्वालिटी को इग्नोर कर देना, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म आफ्टर फोर इयर्स, दैट इज शमशेरा के बारे में। बहुत लोग पूछ रहे थे, ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आ चुका है, शमशेरा का क्या है? ब्रह्मास्त्र को अभी भी 3 महीने बाकी हैं, लेकिन शमशेरा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बाद रिलीज होने वाली है। YRF की इतनी बड़ी फिल्म है, लेकिन उसका कोई भी बज नहीं है, कुछ भी उसका। इनफैक्ट फर्स्ट लुक पोस्टर भी आउट अभी तक नहीं हुआ था। हाँ, इसलिए बोल रहे क्योंकि आज ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली एक पोस्टर आउट हुआ है जो कि लीक हो गया है, जो कि आप देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पे। एंड रणबीर कपूर इज लुकिंग फियर्स, इज लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, इज लुकिंग इंटेंस बोल सकते हैं। और ये इस लुक में, रग जैसे लुक में, इज इन टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट अवतार। इस लुक में रणबीर कपूर को कभी भी नहीं देखा गया है। तो जितने लोग भी ये सोचते थे कि सिर्फ रोमांटिक रोल्स या फिर जो रिलेटेबल रोल्स हैं उसमें रणबीर कपूर फिट हो सकते हैं, दिस लुक्स कैन बी एन आई ओपनर। इस लुक में वो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, और इस तरह की पीरियड ड्रामा में वो किस तरह का परफॉर्मेंस होगा उनका, वो देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा। अब जो अगला सवाल सबसे बड़ा निकल के आता है कि भाई शमशेरा का आखिर ट्रेलर कब आएगा? तो इस वीडियो में आई हैव गॉट सम बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू कि शमशेरा का जो ऑफिशियल ट्रेलर है, दैट इज गोइंग टू कम आउट ऑन द 24th of June। यस, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के बाद, यानी कि छठा जो दिन होगा उस दिन हम लोगों को शमशेरा का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च होगा, ऑफिशियल ट्रेलर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि देखो, YRF की जो फिल्में हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, प्रमोशन किस तरह से, क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये सारी जितने भी फिल्में हैं, चाहे वो स्टार्ट हुई हो संदीप और पिंकी फरार से, बंटी बबली, उसके बाद फिर YRF की इतनी बड़ी, अभी तक की सबसे बड़ी, सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो थी सम्राट पृथ्वीराज, उसको भी उन लोगों ने सही से प्रमोट नहीं किया। और ये सब ऐसी फिल्में हैं जो YRF ने ऑलमोस्ट 2-2 साल तक होल्ड करके रखी थी, और उसके बाद उन सबका इस तरह का लो बज बनाना, इतना एकदम ना के बराबर प्रमोशंस करना, जयेश भाई जोरदार का भी उसी तरह से, तो वो कम्प्लीटली समझ में नहीं आ रहा। और कुछ वैसा ही शमशेरा के साथ भी होता दिख रहा है। और आई होप कि जब 24 को ट्रेलर लॉन्च हो जाए उसके बाद से जो भी प्रमोशंस वगैरह वो सही से हो, अदरवाइज फिर एक और फिल्म का हम लोग को उस तरह का देखने को मिल सकता है। बट स्टिल हाई होप्स है इस फिल्म से लेकर। रणबीर कपूर एक पीरियड ड्रामा में, शमशेरा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इसको लेके, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं ज्यादा इसके बारे में, कुछ वैसा देखा नहीं है। तो आई होप कि जब इसका ट्रेलर आ जाए उसके बाद से अच्छे से प्रमोशंस हो, ताकि YRF की एक और फिल्में जो है उसी लेवल में ना चला जाए। और बहुत 4 साल के बाद रणबीर कपूर विल बी रिटर्निंग बैक टू द बिग स्क्रीन आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ संजू, तो उसके लिए एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। ये लुक आपको कैसा लगा फर्स्ट लुक पोस्टर में वो जरूर बताना, क्योंकि इसके पहले सिर्फ यहां तक का हाफ लुक उनका रिवील हुआ था उनके बर्थडे पे लास्ट ईयर। सो फाइनली बहुत ही जबरदस्त लुक लगा हमको तो, धर्म से आजाद कर्म से डकैत। सो ये जो टैगलाइन है उसमें उनका जो वॉइस एक छोटा सा आया है वो भी काफी जबरदस्त लग रहा है। सो बस इंतजार है ट्रेलर का, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 24 जून को शमशेरा का ऑफिशियल ट्रेलर जो है वो लॉन्च होने वाला है। कितने एक्साइटेड हो इस ट्रेलर के लिए जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और आपके जो भी राय जो भी कमेंट्स है जरूर बताना। और कुछ और बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।